वक्त आ चुका है मरियम 500 की दौड़ खेला जाएगा। मरियम और रजाक भाई के दरमियान ये खूबसूरत मुकाबला की दौड़ का, जो इनमें से जीतेगा उसको एक महंगा फोन गिफ्ट किया जाएगा। मुकाबला बहुत सख्त है। अब रजाक भाई इवेंचुअली शुरू में पूरा 10-15 दिन जो है मरियम लीड करती रही, अब रजाक भाई लीड करना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी सपोर्ट रजाक भाई के साथ रही तो ये टूर्नामेंट इंशाल्लाह जीत भी जाएगी। डिपेंड करता है ये सपोर्ट कौन सी सपोर्ट है। ये मॉरल सपोर्ट है और कोई सपोर्ट नहीं है। बिलाल जी मैं आपसे कंट्रोवर्शियल ना करें मरियम, अच्छा ये दोनों खेलते नहीं है, ये मेंटोरिंग करते हैं, खेलते हैं। हमारे आज हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मैं दोनों से गुजारिश करूंगा, दाऊद और आयशा हमारे साथ मौजूद हैं, कि वो आए और हमें स्टेज पर ज्वाइन करें। वाह भैया आप दोनों बहन भाई हैं। नहीं दोस्त, उधर तो बात करो। बिल्कुल एक से कपड़े पहनकर आ गए तुम, सडन हो गया अचानक, वरना ये पहन के नहीं आए थे तुम। नहीं पहन के मैं यही आया था, लेकिन जब इनकी ड्रेसिंग देखी वो भी सेम थी। वाह, और तुम फिर लेकिन तुमने क्या रिएक्शन दिया? ओह माय गॉड, ये तो नहीं कहा, क्या बात है। अच्छा थोड़ा पीछे होइएगा, नो बॉल हो रही है, अब आ रही है, ठीक है। अच्छा भाई आप यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से पढ़ रहे हैं बीएस मटेरियल इंजीनियरिंग, वेरी गुड। और आयशा तुम पढ़ रही हो स्कैंस से, ये क्या है? स्कैंस इंस्टीट्यूट फॉर सीए। सीए कर रही हो तुम, वाह भाई वाह, सीए कर रही हो। तो क्या करूं? अच्छा तुमसे पूछा हो रहा है ना, मतलब हो जाएगा ना सीए, ठीक है। क्रेजियस्ट थिंग यू हैव डन, तुमने कहा कि तुम एक गोरे का मजाक उड़ा रही थी ब्रिटिशर का, फिर तुम्हें उसको पता चला कि तुम्हें उसको उर्दू भी आती थी। क्या था? I was mocking him. I was actually on a call. I was working in a call center. ठीक है। And उनको सुना, उनको सुना। अच्छा, वो suddenly बेचारा बोल रहा था और I was not able to pull up his account and I was getting confused. उस टाइम मैंने कहा म्यूट पे, please stay online and I just mute him. But suddenly it was not mute. हम लोग आपस में बात करने लग पड़े, बाबे को तो समझ नहीं आ रही है वो and all of that bluff. And he was like, मैंने कहा I'm so sorry, can you hear me now? And then he said, मुझे उर्दू आता है. And I was like, okay. गई सेल। वो होगा ना ब्रिटिशर, वो होगा कोई मजीद अंकल होंगे ना, माइकल नाम रखा होगा। अच्छा भाई तुमने क्या किया, तुमसे पूछा गया, तुमने कहा मैंने टीचर को खफा कर दिया, क्या किया टीचर के साथ? वो एक सीन है, हमारे सर जो थे ना वो मांग जो है ना सलमान खान तेरे नाम की तरह ऐसे बना के आते थे। वाह, राधे मांग। हाँ, और ऊपर से ये पजामे जो है ना वो ऊपर करके आते थे। हमने एक दिन प्लान किया कि हमने जब टीचर एंटर होंगे तो बारी बारी सब ने ना एंटर होना है मांग ऐसे करके और पजामे ऊपर करके। वो हम अंदर गए हैं सर जनाब जी क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद काम खराब हो गया। क्या हो गया? अगले दिन गंज कर आगे गंजे हो गए आगे से। वो तो चीटिंग कर ही नहीं सकते तुम उसकी। चलो भाई ऐसा है कि अब तुम लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन किसके साथ बैठेगा। आयशा तुम्हें मैं चांस देता हूँ, तुम सिलेक्ट करो, तुम्हें मरियम के साथ बैठना है या रजाक भाई के साथ। भाई पीछे से आवाज़ आ रही, डिबेट करना है, ठीक है। टॉपिक पता है आप लोगों को? हाँ, क्या है? स्कूल में मतलब तालीमी इदारों में जो है वो मोबाइल फोन अलाउ है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मोबाइल फोन अलाउड होना चाहिए या नहीं? कौन फेवर है बोल रहे हैं? पहले आयशा तुम बोल रही हो फेवर में, तुम हो तो अगेंस्ट, तुम हो फेवर में, आ जाओ बेटा, मैं फेवर में पहले बोलवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, बहुत आगे निकल गए तुम लाइफ में, थोड़ा पीछे। अच्छा आगे। अच्छा, तारीख गवाह है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों को जिस चीज़ से मना करते हैं वो बच्चे वही उन चीज़ों पे जो है ना ज़्यादा वो छुप छुपा के ना वो मोबाइल यूज़ करते हैं। बेशक। तो हमें चाहिए कि ना हम मतलब छूट दें, इतनी छूट ना दें, लेकिन मतलब माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को छूट दें, मतलब इतनी छूट ना दें कि वो बिल्कुल मतलब परे हो के फोन यूज़ कितना किलो छूट दे बता, क्यों नहीं रहे हो? थोड़ा छूट कॉमन हो, मतलब मोबाइल यूज करना कॉमन होना चाहिए, नजर रखे, नजर रखे, मगर मोबाइल दे। हाँ, वो छुप के यूज करेगा तो वो कुछ भी देख सकता है। ठीक है, आ जाओ पीछे, तुम छुप के देखते हो? मैं खुलेआम देखता हूं। इंस्टीट्यूशनल था ना इसमें, वो कहां से यार? आप बाद में डिसाइड करिएगा ना, आ जाओ आयशा। आयशा तुम अगेंस्ट बोलना चाहती हो, बताओ ना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूज किया सेल फोन व्हेन यू वर अ स्टूडेंट? बेटा आप ऐसा सवाल पूछो मेरी एज रिवील हो जाएगी, उस वक्त नहीं थे फोन। नहीं किया ना, इसलिए आप यहाँ पे। उस वक्त थे नहीं ना, ऑप्शन नहीं था, इसलिए आप यहाँ पे आना। ऑप्शन होता तो अब ना होते। क्यों? बिकॉज़ डिस्ट्रैक्शन होती है मोबाइल से। या टोटली डिस्ट्रैक्शन होती है। स्टूडेंट इज गोइंग टू हिज स्कूल, मदर्स क्या होती हैं, सबसे बड़ा क्या मसला होता है मदर्स को? दे गॉट लाइक एंग्री व्हेन उनके बच्चे स्टडी नहीं कर रहे होते हैं। हाँ। तो वो जब स्कूल जाते हैं माँ को इत्मीनान होता है कि फाइनली ही इज गोइंग टू स्कूल, ही विल नॉट गोना यूज हिज सेल फोन। और आप चाहते हैं कि वो सच्ची बात बताओ आयशा, तुमने एक सेकंड भी अपना आईफोन छुपाया नहीं ऑडियंस से और कैमरे से और तुम ये लो अब ठीक है, जस्ट मेकिंग अ पॉइंट दो। लेकिन मैं इस बात पे तुम्हें एक इनाम देना चाहूंगा, तुम आज मरियम के साथ जाओगी, उनको जरूरत है, उनको पॉइंट्स की जरूरत है और मुझे लगता है तो उनको पॉइंट्स दिलाओगे, ठीक है बेटा? आपको अफसरदा हूँ मगर आप रजाक भाई के साथ। कोई बात नहीं, मैं जाना भी इनके साथ चाहता। अच्छा मजबूरी में जा रहा है रजाक भाई, मैं ऐसे ही बता। हाँ अच्छे हो, लेजेंड हो मगर, ठीक है।